अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य व नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में दिन प्रतिदिन गंदगी बढ़ती जा रही है, जिससे झील का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। वहीं जिला में बन रहे रेल लाइन मार्ग के खुदाई से निकल रही मिट्टी व पत्थर को गोविंद सागर झील के किनारे पर डंप किया जा रहा है और इससे पहले भी फोर लाइन सड़क मार्ग की खुदाई से निकली मिट्टी को भी इसी के किनारे डंप किया गया है। और वहीं बिलासपुर शहर से उठाए जा रहे कूड़े को भी क्रिकेट स्टेडियम के पिछली साइट नदी के किनारे डंप किया जा रहा है और पूरी नदी कचरे से भरी पड़ी है, जिससे इस नदी का अस्तित्व खतरे में आ गया है और इसकी हालत भी कानपुर जैसे होने वाली है। इसको लेकर सरकार और प्रशासन ने अभी तक कोई भी गंभीर कदम नहीं उठाए हैं, जिससे नदी के अस्तित्व को बचाया जा सके और इसका सीधा असर भाखड़ा डैम पर पड़ेगा, जिससे न केवल विद्युत उत्पादन में कमी आएगी बल्कि सरकार के राजस्व में भी भारी कमी आएगी। और वहीं इससे मत्स्य पालन पर भी विपरीत असर पड़ रहा है, जिस कारण मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों की आर्थिकी भी प्रभावित होगी। रामलाल ठाकुर ने इसको एक गैर राजनीतिक मामला बताते हुए कहा कि ये एक जिला से जुड़ा हुआ मामला है, अगर सरकार और प्रशासन समय रहते इस पर कोई कठोर कदम नहीं उठाती है तो वे उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेंगे और अगर उन्हें इसके लिए धरना भी करना पड़े तो वे उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। जितने काम हुए हैं, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो गया हुआ है, वो सारे के सारे काम अब अबेंडन करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो है ना या तो आधे आधे खराब हो गए, टनलें बननी वो वहीं के ऊपर रुकी है। कौन इसके बारे में जो है ना हिसाब किताब देगा कि ये जो लोगों का जो पैसा लूटा गया है इसके बारे में कौन है जो उत्तरदायी होगा। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि बिलासपुर शहर के बारे में आज जो गंद है दुनिया भर का फैल रहा है, ये सारी की सारी डेबरीज जो है वो यहाँ पे हमारी जो खड्ड है अली खड्ड उसके किनारे के ऊपर फेंकी जा रही है और कभी उसको दबा दिया जा रहा है और उसके बाद वो सारे का सारा गंद जो है ये हमारे गोविंद सागर में भाखड़ा तक का एरिया जो है वो सब से पोल्यूटेड हो रहा है दोनों तरफ को। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके बारे में हिमाचल सरकार चिंतित नहीं है और ये जो न्यू बिलासपुर टाउनशिप की संज्ञा दी गई है, ये मैं कहूँगा ये कहीं पे ग्रहण के रूप में लोग देखेंगे कि इसके बारे में जो दुनिया भर का जो गंद पड़ा है। आज जो हमारे जो फिशरमैन है उनका हाल ये है कि गोविंद सागर में सबसे ज़्यादा मछलियाँ पैदा होती थी, आज जो है वो मछलियों की जो तादाद है वो कम होती जा रही है। इसलिए होती जा रही है कि आपने जो प्रोजेक्ट दिए, रेलवे प्रोजेक्ट आपने दे दिए, रेलवे प्रोजेक्ट का भी अगर देखा जाए, उनसे पूछा जाए कि सरकार ने जो डेबरीज जो निकाली गई, जो पत्थर निकलेंगे उसको जो है वो स्टेकिंग करने का जो है ना कहाँ पे इंतजाम कर रखा है। सारे का सारा जितना भी मलबा है वो ठेकेदार बड़े हो छोटे हो वो सारे के सारे गोविंद सागर में डाल रहे हैं, तो फिर गोविंद सागर की जो है ना आगे भविष्य के बारे में ये क्या 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 सोचा जा रहा है। आज इस प्रकार से जो गंद पड़ रहा है बिलासपुर में, आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी ये जो सतलुज नदी है ये भी हमारी कोई गंगा यमुना से कम नहीं है, लोग इसको भी पूजते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस नदी का हल यह हो गया कि आज जो गंगा की बात करने वाले लोग और जो बड़ा शहर है एक कानपुर, आज तुलना यह होगी कि क्या कानपुर जैसे तबाह हुआ, क्या उसी ढंग से हमारा ये बिलासपुर ज़िला और बिलासपुर का शहर तबाह हो जाएगा। दुनिया भर का गंद जो है वो कानपुर में है, आज बिलासपुर का हाल भी यही होने वाला है, उसके बारे में नहीं उठाएंगे तो मैं अपने आप को भी उसके लिए उसके बारे में उत्तरदायी जो है ना समझता हूँ। इसलिए हमने फैसला किया है कि इस मसले को जन आंदोलन के तौर पे हम इसको खड़ा करेंगे। इस मसले को अगर कोई बात बनने की नहीं आएगी, हड़तालें करके, भूख हड़तालें करके अगर मान लो कोई चीज़ बनने की नहीं होगी, तो मैं इस मसले को एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हाई कोर्ट में ले जाने के लिए भी सोच रहा हूँ। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आज प्रश्न केवल मात्र बिलासपुर का नहीं है, प्रश्न हिमाचल प्रदेश का है, पूरे भारतवर्ष का है। अगर मान लो सेना मजबूत होगी तो हमारा हिमाचल प्रदेश भी मजबूत होगा, भारतवर्ष जो है वो मजबूत होगा। सड़कें ठीक होगी और हमारे यहाँ पे रेल लाइन ठीक से आएगी तो मैं कहूँगा हिमाचल प्रदेश में जो हमारा टूरिज़्म है उससे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। इसलिए इन इश्यूज़ को उठाने के लिए हमने जो है वो पहल करके भी, और मैं कहना चाहूँगा कि उसमें लोगों का मैं समर्थन के बारे में निवेदन करना चाहूँगा, राजनीति से ऊपर उठ के एक ही मंत्र हमारा है, वो है हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर के